इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लेकिन सरकार मेरे बड़े अलबेले हैं। भगवान किसी पर रुष्ट नहीं होते। आहा, क्या कहें? भगवान किसी पर रुष्ट नहीं होते। केवट चित्त की निर्भयता भगवान को बहुत भाई हो, भक्त को निर्भय होना। अच्छा, कई लोग तो आपको बताऊं, कई लोग तो यह याद रखते हैं हम कितने कितने पाप किए हैं। देखो आप अपने पुण्य का स्मरण करो, पाप का स्मरण न करो। भगवान पाप देखते ही नहीं। भगवान के सन्मुख हम चले गए, भगवान की कथा में बैठे, भगवान के दरबार में पहुंच गए, इसका मतलब हमारे पाप नष्ट हो गए। भगवान पाप गिनते ही नहीं। पापी न पाप गिनेगा हो, भगवान तो परम पुण्यशाली दिव्य दिव्य परम दिव्य भगवान। वो क्या देखेंगे? जैसे माता पिता अपने लड़िकन फड़िकन छुटकन मुटकन का कोनो अपराध नहीं गिनत हैं, वैसे ही भगवान भी जीव का कोई अपराध नहीं काउंट करते, गिनते ही नहीं। तब क्या? अरे भगवान ये गिनते, हमने गंगा कब नहाया, हम दरबार कब आए, हमने हवन में आहुति में आए स्वाहा कब डाला। भगवान जीव की अच्छाइयों का स्मरण करते हैं। क्यों? यदि भगवान जीव की बुराई का स्मरण करने लगेंगे तो जीव कहीं बैठेगा नहीं। अरे आप तो श्रोता हो, कथावाचक कहीं नहीं बैठेंगे। उत्तरकांड में सूची है उसकी, पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं बैठेगा। हो मेरे सरकार, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब भगवान का स्वभाव अद्भुत है। हमारे दिल्ली की जो माताएं हैं, मंगलवार के सत्संग में वो गाती, एक माई ढोलक बजाती है, दूसरी वो लकड़ी लेकर उसी ढोलक पर ऐसे टन टन मारती है, गाती बहुत अच्छा गाती है। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा है सारा तारा, मैंने सुना है तूने घड़ी
अच्छाई, अच्छाई हमारे में कौन अच्छाई है भक्त को इसका स्मरण रखना चाहिए। और मैं तो कहूंगा आपको बुराई कहीं भी देखी तो उसका स्मरण मत करिए, उसको वहीं छोड़िए। क्यों बुराई की टोकरी लिए सिर पर घूम रहे हैं? हर जीव में एक अच्छाई है, हर वस्तु में एक अच्छाई है, हर झाड़ में एक दवाई है। आयुर्वेद और होम्योपैथ में जो दवाई बनती है वो झाड़ से बनती है, जड़ी बूटियों से। अब जो जानकार है उनको ढूंढ लेता है। उसी प्रकार हर मनुष्य में एक अच्छाई है, घर में भी होगा एक अच्छाई, कोई ना कोई अच्छाई भगवान देख के तब धरती पर भेजता है। भगवान ने केवट जी की निष्ठा दर्शन कर ली और प्रभु माँ भैया की ओर देखकर ठाका लगा के हंसे। क्यों? इसकी निर्मलता पर, इसकी निष्कलुषता पर, इसकी निश्चलता पर, वाक्पटुता पर, पद निष्ठा पर कुछ नहीं चाहता है? अरे जो कुछ नहीं चाहता है वो बहुत चाहता है। हाँ ये भी खतरा है, अभी कुछ क्या चाहेंगे आगे चर्चा आएगी। देखिए भगवान उसकी निर्मलता पर प्रसन्न हुए और बोले कृपा सिंधु बो ले रुजे ही तवर इनावर न जा कृपा ही हो।
केवट से भगवान ने कहा, जैसे आपकी नाव सुरक्षित हो वही करिए, सोई करू क्या करू जेही तब इनाव न जाइए, ये नाव बची रहे, ये भगवान की करुणा है। प्रभु अपने नीचहुं आदर ही, अग्नि धूम गिरी त्रिन सिर धरे। अग्नि नारायण जानते हैं कि यह धुआं ही हमारा विनाश करेगा जल से संघात होने पर, फिर भी अग्नि नारायण अपने सिर पर धुआं धारण करते हैं और पर्वत भार जानकर भी तिनके को धारण करते हैं। ये श्रेष्ठत्व का भाव है, मानो कर्तव्य बोध ही मान लो। भगवान ने कहा, जैसे आपकी नाव सुरक्षित हो व्यवहार करिए। जिस भगवान का एक बार नाम ले ले तो भवसागर पार हो जाता, वो भगवान केवट जी से नाव मांगते हैं, पार उतारो। गंगा जी का मोह भया, भगवान के उत्तर से समाधान हुआ। राजाज्ञा पाकर केवट जी दौड़ा कर नाव लाए, दंडवत करके निवेदन किए, प्रभु आज्ञा हो तो लड़का फड़का भी ले आऊं, ऐसा बोल। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।